उन्होंने जो धर्म बताया था वो धर्म नहीं, हमारा जीवन है। उनमें सब है, फाइटर, सिंगर, टीचर, वॉरियर एंड व्हाट नॉट। ही इज एवरीथिंग। I'm a fighter. If you're a fighter, what am I? तो फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली तीनों ही फिल्में यानी कि कार्तिकेय 2, रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के सेकंड वीकेंड्स भी खत्म हो चुके हैं और ये तीनों ही फिल्में अब वीकडेज में एंट्री मार चुकी है। लेकिन दोस्तों इन तीनों ही फिल्मों का आज अपने बॉक्स ऑफिस पर क्या कलेक्शन रहने वाला है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली और दो फिल्में यानी कि बिंबिसारा और सीतारामम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और लाइगर की एडवांस बुकिंग के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी लाइगर के लिए एक्साइटेड हैं और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म सीतारामम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको दलकीर सलमान, मृणाल ठाकुर और ब्यूटीफुल रश्मिका मंदाना नजर आई है। हानू राघोपुड़ी के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये एक फैमिली ड्रामा और लव स्टोरी फिल्म है, जिससे कि इंडियन ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। बताते चले दोस्तों आपको कि सीतारामम इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन तो मात्र 2,85,00,000 रुपए की नेट कमाई करके ओपन हुई थी, वहीं दोस्तों अपने दूसरे और अपने तीसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में लगभग 100% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई। शुरुआती 7 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 26,35,00,000 रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर में इस फिल्म ने अपने शुरुआती 7 ही दिनों में लगभग 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था। ऑडियंस की तरफ से मिल रहे आउटस्टैंडिंग रिव्यूज की वजह से दोस्तों इस फिल्म के सेकंड वीक के भी जो कलेक्शंस थे वो भी काफी शानदार रहे, जबकि दोस्तों इस फिल्म के सामने सेकंड वीक में बिंबिसारा और कार्तिकेय 2 दोनों ही बड़ी फिल्में थी। उसके बावजूद भी इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में 12,51,00,000 रुपए की कमाई इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस से की। वहीं दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते की भी शुरुआत इस फिल्म ने काफी शानदार ढंग से की है और इस फिल्म ने अपने 15वें दिन 1,02,00,000 रुपए कमाए हैं, 16वें दिन कमाए हैं 1,65,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों आज ये फिल्म अपने 17वें दिन 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 44 करोड़ रुपए का हो चुका होगा, ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 55 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 70 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर दूसरी फिल्म यानी कि बिंबिसारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बिंबिसारा टाइम ट्रेवल पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसके लीड में आपको कल्याण राम और कैथरीन ट्रेसा नजर आने वाली है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है वशिष्ठ ने। बताते चले दोस्तों आपको कि बिंबिसारा को भी ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म को भी दोस्तों सीतारामम के साथ ही रिलीज किया गया था। बिंबिसारा ने भी दोस्तों अपने पहले ही इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 11 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग ली थी। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म के शुरुआती 3 ही दिनों का जो कलेक्शन था वह लगभग 31 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। ऑडियंस की तरफ से मिले हुए आउटस्टैंडिंग रिव्यूज की वजह से दोस्तों बिंबिसारा ने भी अपने पहले हफ्ते में 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार किया। दूसरे हफ्ते दोस्तों ये फिल्म 65 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर में पार कर चुकी थी। वहीं दोस्तों ये इस फिल्म का तीसरा हफ्ता चल रहा है और इस हफ्ते इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बताते चले दोस्तों आपको कि बिंबिसारा का भी जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो तो 50 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर बिंबिसारा ने लगभग 72 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और ये भी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। वहीं दोस्तों अब बात कर ली जाए फिल्म रक्षाबंधन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर नजर आई थी। वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन किया था आनंद एल राय ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रक्षाबंधन एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म को मात्र 60 करोड़ रुपए के ही बजट से बनाया गया था, जिसने कि अपने पहले दिन 8,20,00,000 रुपए की ओपनिंग ली और शुरुआती 4 दिनों में यह फिल्म 28 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही। शुरुआती 5 दिनों के वीकेंड में यानी कि 15 अगस्त की भी छुट्टी मान ली जाए तो इस फिल्म का कलेक्शन 35 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल की तो दोस्तों अक्षय कुमार की इस फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिनों में 39 करोड़, अपने पहले हफ्ते यानी कि 8 दिनों में 40 करोड़ और 10 दिनों में लगभग 43 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था। दोस्तों बताते चले आपको कि कल इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो वहीं दोस्तों आज इस फिल्म के जो कलेक्शंस उसमें काफी बड़ी ड्रॉप देखने को मिल रही है और यह फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 60 लाख की ही कमाई कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वह लगभग 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है और
वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 70 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। हालांकि दोस्तों बजट कम होने की वजह से इस फिल्म को एक एवरेज फिल्म ही बताया जा रहा है। बात की जाए दोस्तों यहां पर दूसरी फिल्म यानी कि लाल सिंह चड्ढा की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाल सिंह चड्ढा एक बिग बजट फैमिली ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते लगभग 3500 स्क्रीन्स पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के लीड में आपको आमिर खान, करीना कपूर खान और नागा चैतन्य नजर आए थे, जिसका डायरेक्शन किया था अद्वैत चंदन ने। और इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले दिन इंडिया में जहां लगभग 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, तो वहीं दोस्तों शुरुआती 5 दिनों में यह फिल्म 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को भी मिक्स रिव्यूज मिले, साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज दिए। आमिर खान की इस फिल्म ने दोस्तों अपने फर्स्ट वीक में यानी कि 8 दिनों में 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था। 9वें और 10वें दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो लगभग 2 करोड़ रुपए के रहे। वहीं दोस्तों कल इस फिल्म ने अपने 11वें दिन इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं 1,40,00,000 रुपए। आज इस फिल्म का दोस्तों 12वां दिन है और आज इस फिल्म के भी जो कलेक्शंस है उसमें काफी बड़ी ड्रॉप देखने को मिल रही है और ये भी आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 55 से 60 लाख की ही कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग 54 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज इंडिया से पार कर चुका होगा और आमिर खान की ये फिल्म इंडिया में तो एक फ्लॉप फिल्म बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों दुनिया भर में भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिकवरी नहीं की है और ये फिल्म दुनिया भर में भी एक फ्लॉप फिल्म बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर तीसरी फिल्म यानी कि कार्तिकेय 2 के बारे में, तो दोस्तों कार्तिकेय 2 तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही और ये फिल्म कंटिन्यू ब्लॉकबस्टर रन के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हर भाषा में शानदार कमाई कर रही है। बताते चले दोस्तों आपको कि कार्तिकेय 2 जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर मात्र 1000 स्क्रीन पर ही रिलीज किया गया था, इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो 10 करोड़ रुपए की ओपनिंग दुनिया भर से ली, वहीं शुरुआती 3 दिनों में लगभग 31 करोड़ रुपए यह फिल्म भी कमा चुकी थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद इस फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें आउटस्टैंडिंग ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने दोस्तों हिंदी में काफी शानदार कमाई करना शुरू कर दी। अपने शुरुआती 7 दिनों में यह फिल्म हिंदी में लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने अपने 8वें और अपने 9वें दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखाई है उसके बाद दोस्तों यह फिल्म हिंदी में एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का हिंदी में अभी तक का जो टोटल कलेक्शन है वो शुरुआती 9 दिनों का 11,25,00,000 रुपए का हो चुका था। बात की जाए वर्ल्ड वाइड की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने 8वें दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 करोड़ रुपए कमाए, वहीं दोस्तों अपने 9वें दिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 77 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के आज यानी कि अपने 10वें दिन के कलेक्शंस की, तो बताते चले दोस्तों आपको कि आज भी इस फिल्म को हिंदी में जहां लगभग 42 लाख रुपए की एडवांस हासिल हो चुकी है, तो वहीं दोस्तों तेलुगु, तमिल को मिलाकर इस फिल्म की जो एडवांस है वो 1.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। ये वजह है दोस्तों कि ये फिल्म हिंदी में आज 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का कलेक्शन भी लगभग 5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। ऐसे में इस फिल्म का जो टोटल है वो लगभग 82 करोड़ रुपए का दुनिया भर से हो चुका होगा और मात्र 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली कार्तिकेय 2 दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर अगली फिल्म यानी कि लाइगर के एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में, जिसने कि दोस्तों अपनी रिलीज से पहले ही हैदराबाद में रिकॉर्ड्स बनाना शुरू कर दिए हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि लाइगर जिसके लीड में आपको राउडी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे नजर आने वाली है, पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस स्पोर्ट ड्रामा फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाना है, जिसके एडवांस को कल ही शुरू किया गया था। इस फिल्म ने दोस्तों अपनी एडवांस शुरू होते ही अपने पहले दिन 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को जहां हैदराबाद में पार कर दिया है, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा को मिलाकर 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। हिंदी में दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो अपने पहले दिन के लिए 10 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स है। विजय देवरकोंडा की दोस्तों ये पहली पैन इंडिया फिल्म है और उनकी इस पहली ही फिल्म को हिंदी ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। उम्मीदें हैं दोस्तों कि विजय की यह फिल्म अपने पहले दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेकर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। लेकिन दोस्तों फिलहाल में इस फिल्म को जिस तरह का रेस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से मिल रहा है, एडवांस में ही यह फिल्म दोस्तों अपने पहले दिन 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर लेने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या लाइगर इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 20 से 25 करोड़ और दुनिया भर से 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।